राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना मानो कांग्रेस के लिए एक नई जान फूंक गई या कांग्रेस में नई जान आ गई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप आए दिन सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में आपको एक और वीडियो दिखाते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के 34वें दिन चित्रदुर्ग से इसकी शुरुआत की, जिसमें राहुल गांधी बच्चों के हाथ पकड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं। दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी दौड़ रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी हाथ में कांग्रेस का झंडा भी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर कांग्रेस नेता श्रीनिवासन ने लिखा है कि रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू और झुके न तू। यूथ कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि आंधी आए, तूफान आए, ये गांधी नहीं रुकेगा। आप वीडियो में राहुल गांधी को भींगते हुए भी पदयात्रा करते हुए देख सकते हैं कि राहुल गांधी भींग रहे हैं और पदयात्रा जारी है। राहुल गांधी के अलावे कन्हैया कुमार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कन्हैया का जेएनयू वाला अंदाज, वही नारेबाजी और लोगों को एक साथ लेकर नारों की गूंज आपको सुनाई दे सकती है। तो पहले आप ये तीन कन्हैया कुमार की वीडियो सुनिए और उसमें देखिए कि कैसे कन्हैया कुमार जेएनयू वाला वही पुराने अंदाज में नारेबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस के कदम से कदम मिलाकर पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, पुरिया वाले भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, बंगला वाले भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, हिंदी वाले भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। वीडियो दो में आप देखिए कि इस वीडियो में कन्हैया कुमार ठीक अपने पुराने जेएनयू वाला अंदाज में दिख रहे हैं। कांग्रेस के पदयात्रा में कन्हैया का हर वो वीडियो वायरल है जिसमें वो नारेबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो में कन्हैया कुमार बीजेपी पर वार करते हुए ये नारा लगा रहे हैं कि वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे, अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। कन्हैया का एक और वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है, इस वीडियो में वे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम भी जिंदा, भगत भी जिंदा, गांधी भी जिंदा। तो सुनिए ये वीडियो में कन्हैया ने क्या कुछ कहा। ओ तुम भी जिंदा, जिंदा है, है हम भी जिंदा, जिंदा है, सावित्री जिंदा, जिंदा है, फूले भी जिंदा, जिंदा है, बिरसा भी जिंदा, जिंदा है, अम्बेडकर जिंदा, जिंदा है, गांधी भी जिंदा, जिंदा है, अरे भगत भी जिंदा, जिंदा है। एक वीडियो में कन्हैया कुमार के साथ योगेंद्र यादव को भी देखा जा सकता है। साथ में कन्हैया यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गांधी के दीवाने हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। योगेंद्र यादव भी इसी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और योगेंद्र यादव ने भी ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा है कि आज़ादी के बाद से हमारा लोकतंत्र हमेशा झुका रहा है, लोकतंत्र पर हमेशा हावी रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की जगह जेल में है, आम आदमी की तो छोड़ ही दीजिए, मुख्यमंत्री की तो कोई हैसियत ही नहीं बची है। ऐसे में भारत जोड़ो का मतलब है लोक को तंत्र से जोड़ना, गण को राज्य से जोड़ना। ये योगेंद्र यादव ने ट्विटर पर वीडियो ट्वीट कर ये स्टेटमेंट दिया है। वीडियो नंबर तीन में आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में राहुल गांधी और सोनिया गांधी साथ में दिख रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल और सोनिया से मिलने के लिए एक बच्ची जमीन पर गिर जाती है, तभी राहुल गांधी की नजर उस बच्ची पर पड़ती है। राहुल गांधी बैरिकेड्स की तरफ जाते हैं और बच्ची का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ ले आते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से लगातार जारी है और यह करीब 150 दिनों तक चलेगी। 6 अक्टूबर को कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए और सबसे खास बात कि उनकी फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती नजर आई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ दूर तक चलते हैं और कुछ बातें होती है, तभी कुछ दूर साथ चलने के बाद सोनिया गांधी को राहुल गांधी कुछ दूर बाद रोकते हैं और ऐसा लगता है कि वो कह रहे हो कि माँ अब तुम चले जाओ, ज्यादा देर चलोगी तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा।
उसके बाद सोनिया गांधी को राहुल गांधी ने गाड़ी में बिठाया और उन्हें भेज दिया। कांग्रेस की पदयात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो की शुरुआत की गई और 150 दिनों तक पदयात्रा 12 राज्यों से गुजरकर कश्मीर में समाप्त होगी। इस यात्रा में कुल 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जानी है। माना जा रहा है कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए की जा रही है। हालांकि यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई सारे वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोगों को खूब भा रहे हैं और लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी लोग खूब चाह रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा कन्हैया कुमार का भी वीडियो वायरल है और नारेबाजी का वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।